हरे कृष्णा। डेली 10 मिनट दिव्य ज्ञान की चर्चा भगवत गीता से आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा श्लोक संख्या 5 और 6 में कि किस प्रकार मृत्यु के समय चिंतन से भगवान की या फिर इसी भौतिक संसार में पुनः पुनः जन्म और मृत्यु की श्रृंखला बनी रहती है। तो आज विशेष रूप से कर्म में जो लोग मानने वाले हैं उनके लिए और ध्यान की विधि से किस प्रकार पूर्णता प्राप्त की जाए उसके बारे में भगवान समझाने जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ही वीडियो है, आप देखिए रहिए लास्ट तक। हम नहीं देंगे, भगवान ने दी हुई है ट्रिप, हम आपको जस्ट बता रहे हैं। तो आज के हमारे श्लोक हैं श्लोक संख्या 7 और 8, अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेवेस्यस्य संशयः। अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। श्लोक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो ये दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भूल धारणाएं रहती हैं। लोग ऐसा बोलते रहते हैं भगवद गीता का तो यही चरम उपदेश है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म ही प्रधान है। जी हाँ, कर्म ही प्रधान है, लेकिन वो किस प्रकार से है? क्या एक चोरी करने वाला चोर वो अपना चोरी करना जो उसका कर्म है वो करता रहे तो क्या वो पूर्ण है? किस प्रकार से कर्म पूर्ण होता है ये बात भगवान यहाँ समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही मतलब दोनों काम एक साथ करने हैं, भगवान का चिंतन भी और अपना नियत कर्तव्य कर्म करना भी। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपने तो सब छोड़ छाड़ के मंदिर में चले जाते हैं, हाँ आप अपने कर्तव्यों से डर जाते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमारी सरहद पे काफी वातावरण में तंग दिली चल रही है तो बहुत सारे हमारे सोल्जर्स वहाँ पर युद्ध के लिए तैनात हो गए हैं, हाँ अपने घर से दूर रहते हैं, माता पिता पत्नी बच्चों से दूर रहते हैं, तो क्या उनको वो नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, आवश्यकता है। तो उसी प्रकार जैसे एक शरीर में मस्तिष्क की आवश्यकता है, हाथ की आवश्यकता है, पांव की आवश्यकता है, पेट की आवश्यकता है, सभी की आवश्यकता है अपनी अपनी जगह पे और वो सही है। तो कुछ लोग ऐसे भी चाहिए जो भगवद गीता के अनुसार सामान्य लोगों को जो अपने जीवन में अपने कर्म करने में जो भूल धारणाएं रखते हैं और उसकी वजह से इस मनुष्य जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन को अच्छे से फलीभूत नहीं कर पाते हैं उनको मार्गदर्शित करने के लिए। तो भगवद गीता की शिक्षा देने के लिए कुछ लोग ऐसे चाहिए जो अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करें ताकि सबको मार्गदर्शन मिले। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है और आप सब अच्छे से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो कृपया आप जुड़े रहिए और अन्य लोगों को भी बांटते रहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, मम अनुस्मर युद्ध च, आगे भी एक बार कहा भगवान ने कि मेरा चिंतन करते हुए तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना धर्म के लिए और मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा धर्म है तो तुम युद्ध करो। उसी प्रकार हमें भी हमारी घर गृहस्थी चलानी है, बच्चे परिवार का पालन करना है, तो हमें हमारे मन और बुद्धि को उस प्रकार से चिंतन में लगाना चाहिए कृष्ण के, ताकि अन्य सारे कार्यों करते हुए भी हम भगवान का चिंतन कर पाए। ये जीवन जीने की कला है जो भगवान यहाँ सिखा रहे हैं।
जैसे आपको एक एग्जांपल दें, आप सभी अभी लॉकडाउन में भाग्यशाली हुए होंगे, आपकी माता या बहन या पत्नी या घर वालों के द्वारा बनाया हुआ खाना खाने के लिए, है ना। आजकल दुर्भाग्य की बात है, भारत में ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग हर हफ्ते रेस्टोरेंट में दो चार बार बाहर खाने जाते हैं, तो दुर्भाग्य की बात है ये। तो हम ये बात समझना चाहते हैं कि वही खाना जो आपकी माता ने या पत्नी ने या बहन ने बनाया है, वही खाना रेस्टोरेंट में भी आपको मिलेगा। मान लीजिए सब रेसिपी सेम है, सब आइटम सेम है, सब सही तरीके से एक ही जैसे तरीके से बनाया है, तो क्या वो दोनों खाने में कोई अंतर नहीं होगा? बेशक होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। एक रेस्टोरेंट वाला अपनी जेब भरने के लिए आपको मस्का पॉलिश करेगा, हाय हेलो सर्विस देगा और कैसे ना कैसे आपसे पैसे निकाले जाए उस प्रकार से खाना खिलाएगा। और एक माता या एक पत्नी या एक बहन, वो एक भाव से, प्रेम से आपको एक भाव और प्रेम के साथ सिर्फ खाना ही नहीं देंगी, वो अफेक्शन, वो जो उनकी भावना है वो भी सर्व करेंगी। तो उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा ही अंतर भगवत गीता समझने वाले व्यक्ति में और भगवत गीता न समझ के इंद्रिय भोग के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति में होता है। इसीलिए भगवान का भक्त सारे कार्य करते हुए भी आत्मसंतुष्ट रहता है, चाहे वो गरीब हो या चाहे अमरीश राजा जैसा बड़ा चक्रवर्ती राजा हो। और एक व्यक्ति भले ही कितना बड़ा वर्ल्ड का नंबर वन करोड़पति, अबजपति, खरबपति बन जाए, लेकिन अगर वो कृष्ण के साथ, भगवद गीता के उपदेश के साथ नहीं जुड़ा है, तो वो उसका सब कुछ बेकार है, इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला भगवान यहाँ बता रहे हैं। और दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, कुछ लोग ध्यान की विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। वो आजकल के जो वॉइड के ऊपर कुछ भी ऐसे काल्पनिक ध्यान की बात नहीं है, है ना, क्योंकि हम किसी शून्य के ऊपर या अदृश्य के ऊपर कभी ध्यान नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा ध्यान करो। देखो यहाँ बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि मेरा ध्यान करता है भगवान के रूप में। कुछ लोगों की ऐसी भी गलतफहमी होती है कि भगवान का कहाँ कुछ रूप है, तो ये उसको थोड़ा अलग रीति से हमें समझना पड़ेगा। अगर भगवान का रूप नहीं है तो कैसे भगवान बोल रहे हैं? हाँ, अगर इस वीडियो में आपको वीडियो ना दिखे और सिर्फ ऑडियो दिखे, तो क्या आप ऐसा कहोगे कि वो बोलने वाले का कोई रूप नहीं है? मूर्खता होगी ना ये। तो भगवान का रूप है, तभी तो भगवान अर्जुन के सामने साक्षात द्विभुज मुरलीधर रूप में है और उपदेश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हम भगवान का श्याम सुंदर रूप कितना मधुर है। तो इस रूप को जब हम चिंतन करेंगे, तब हम बाकी सारे कलमों से मुक्त हो जाएंगे। और इसी चिंतन की विधि को बहुत ही अच्छे से करने के लिए कलयुग में विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप और कीर्तन को करने की विधि का प्रावधान है। और अगर आप थोड़ा सा भी आपके गूगल को सर्च करेंगे और देखेंगे तो हरे कृष्णा वर्ल्ड, और हमने भी आपको एक मूवी सेंड की है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से जो लोग मलेच्छ यवन विदेशी लोग थे, वो लोग भी अपना जीवन सार्थक कर पाए, क्योंकि ये हरे कृष्ण चिंतन ये भगवान के चिंतन के बराबर ही है। भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, इसीलिए भगवान का चिंतन करने से उनका सारा काम क्रोध लोभ मोह सब दूर हो जाता है और एक आत्मसंतुष्टि से वो अपना सारा कर्तव्य कर पाते हैं। तो ये जो ध्यान की विधि है विशेष रूप से, उसमें भगवान का ध्यान करना है, मुरलीधर द्विभुज श्याम सुंदर का ध्यान करना है। आप हमारे यहाँ आइए, इस्कॉन मंदिर देखिए, भगवान का कितना बहुत अच्छा श्रृंगार होता है, तो वो श्रृंगार को देख के आप मोहित हो जाएंगे और हमेशा से भगवान के रूप का चिंतन कर पाएंगे। इसी को समझाने के लिए प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। एक कीट जो तितली का चिंतन करता रहता है, तो उसका चिंतन करते 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 रहने से उसके भी पंख आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पूरा जीवन भर भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तो मृत्यु समय भी भगवान का चिंतन होगा और हम भी भगवान के ही चिंतन, मतलब भगवान के जैसे ही रूप को, सच्चिदानंद रूप जो हमारा ऑलरेडी है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए,
और लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार और भगवान इसको और विस्तार से अपने चिंतन को ध्यान करने की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।